नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Pro Plus 5G versus Vivo V40 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 6.36 इंच जबकि V40 Pro में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 2.91 इंच जबकि V40 Pro में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12 Pro Plus 5G में 0.34 इंच जबकि V40 Pro में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro Plus 5G में 196 ग्राम जबकि V40 Pro में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 6.7 इंचेस जबकि V40 Pro में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Pro Plus 5G में 1080x2412px FHD+ और V40 Pro में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Pro Plus 5G में 90.68% जबकि V40 Pro में 89.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro Plus 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V40 Pro में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और V40 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V40 Pro की बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V40 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Adreno 710 जबकि V40 Pro में Immortalized G715 MC11 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और V40 Pro में MediaTek Dimensity 9200 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो 12 Pro Plus 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि V40 Pro में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12 Pro Plus 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V40 Pro में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 12 Pro Plus 5G में 5000 mAh जबकि V40 Pro में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 3 कलर्स जबकि V40 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 प्रो प्लस 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,500 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें V40 Pro की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में V40 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Oppo F25 Pro 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2a 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।